नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। मथुरा से बड़ी खबर, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद भारत के तत्वावधान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके विषय में परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रागिनी गांधी ने बताया कि इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है। क्या मांग किया गया, आइए देखते हैं। मथुरा से कैमरामैन भक्ति प्रिया के साथ डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी का एक रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रागिनी गांधी एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद रजिस्टर्ड भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। जी, आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है, किन विषय को लेकर सौंपा? जी, आज हमने जो है ज्ञापन सौंपा है वो हमने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के विरोध में सौंपा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो है, जो अधिवक्ताओं के विषय में जिसमें बताया गया है कि अधिवक्ता कौन होते हैं, तो उसमें कहीं भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रावधान नहीं है। ये ज़बरदस्ती का काला कानून है जिसके द्वारा नए आने वाले अधिवक्ताओं या 20-25 साल पुराने अधिवक्ताओं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, उसके नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 क्लॉज 1 के तहत ये बताया गया कि अधिवक्ता कौन है, तो उसमें बताया गया कि स्टेट बार काउंसिल में जिन जिन अधिवक्ताओं का नाम नामावली में दर्ज है बार काउंसिल की में, उनको अधिवक्ता माना जाएगा। और धारा 24 में ये बताया गया कि अधिवक्ता कौन हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसने एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ले ली हो, वो अधिवक्ता की श्रेणी में आएगा। वहाँ पर कहीं भी COP का प्रावधान नहीं है। ये ज़बरदस्ती का एक कानून है जो कि टोटली असंवैधानिक है और जिसको कि अधिवक्ताओं के ऊपर थोपा गया है और उसके आधार पर उनका शोषण किया जा रहा है। तो मैं अपने मंच अधिवक्ता अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करती हूं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमने ये ज्ञापन बार एसोसिएशन ऑफ मथुरा के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय को सौंपा है और उनसे ये आग्रह किया है कि वो इसको हमारे अपने समर्थन के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपें और उनसे कहें कि इस काले कानून को समाप्त किया जाए, इसको पूरी तरह से नेस्तोनाबूद किया जाए। यही हमारे मंच की मुहिम है, यही हमारे परिषद की मुहिम है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, श्री शिवसेवक गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और भी जो जरूरी प्रक्रियाएं होंगी वो अपनाई जाएंगी। धन्यवाद। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद द्वारा आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? ये जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है, इसमें हमारी बहन रागिनी गांधी, संगीता शर्मा जी, पुष्पा जी, रेखा जी और दीपा चतुर्वेदी जी और अन्य अधिवक्ता जो आए हैं, उनका कहना ये है कि जो COP नंबर बार काउंसिल ने थोप दिया है जूनियर्स पे, सभी पे, वो सभी पे है, तो उससे जो है नए वकीलों को और जो पुराने भी हैं उनको भी परेशानी हो रही है कि अगर COP नंबर नहीं है तो वकालत नहीं कर पाएंगे, COP नंबर नहीं है तो हमारे मेंबर नहीं रह पाएंगे, COP नंबर नहीं है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे, इलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि उनकी जो जितनी भी मेहनत है पढ़ाई लिखाई की और रजिस्ट्रेशन की, वो सारी बेकार हो जाए। इसलिए उन्होंने हमारे बार के थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक ज्ञापन दिया है कि COP नंबर को हमारे ऊपर न थोपा जाए। COP नंबर का कोई भी प्रोविज़न हमारे बार काउंसिल का जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं, उसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। ये अलग से कोई प्रस्ताव करके बनाया गया है। तो क्योंकि इन सभी अधिवक्ताओं की जो परेशानियों से मैं समझ सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर COP नंबर वाला ये कानून चला तो निश्चित रूप से हमारी बार में बहुत ही कम संख्या में मेंबर रह जाएंगे, तो उससे जो है हमें भी परेशानी होगी कि हमारे साथियों को इतना परेशानी उठानी पड़े और वो अपने प्रोफेशन से कहीं हाथ ना धो बैठे। तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हम बार एसोसिएशन मथुरा की तरफ से रिकमेंडेशन के साथ, अपनी संतुति के साथ इस ज्ञापन को भेजेंगे कि हमारे नए अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो,
और जो 20-25 साल से वकालत कर रहे हैं और उन पर COP नंबर बाई देवे किसी कारण से नहीं आ पाया है और वो यहाँ पे नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं, उनको इस तरीके का कोई परेशानी ना हो और अपने प्रोफेशन से हाथ न धोना पड़े, तो मैं इनके ज्ञापन का जो है समर्थन भी करता हूँ, रिकमेंडेशन भी करूँगा और ये उम्मीद करूँगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि इसको जो है या तो इसका टाइम बढ़ाया जाए और उसके लायबल किया जाए सबको कि जब तक सभी अधिवक्ताओं के पास COP नंबर ना हो तब तक इस कानून को लागू ना किया।